आज हम आपको शांतनु नायडू के बारे में भी बताना चाहते हैं, जो रतन टाटा के पर्सनल असिस्टेंट थे। शांतनु नायडू 31 वर्ष के हैं और उनका रतन टाटा से परिचय एक स्टार्टअप के जरिए हुआ था। शांतनु सड़कों पर घूमने वाले आवारा कुत्तों को गाड़ियों से बचाने के लिए उनके गले में एक रिफ्लेक्टर बांधकर उन्हें बचाने का काम कर रहे थे। और जब उन्होंने इसमें निवेश करने के लिए रतन टाटा को एक चिट्ठी लिखी तो रतन टाटा इसके लिए बिल्कुल तैयार हो गए और बाद में शांतनु नायडू को उन्होंने अपना पर्सनल असिस्टेंट बना लिया। और वर्ष 2021 में शांतनु ने रतन टाटा का बर्थडे केक काटकर उनके साथ उनका जन्मदिन मनाया था और रतन टाटा भी उन्हें अपने परिवार के एक हिस्से की तरह मानते थे। और अमेरिका के जिस यूनिवर्सिटी से रतन टाटा ने पढ़ाई की थी उसी यूनिवर्सिटी से शांतनु ने भी पढ़ाई की थी और उनके दीक्षांत समारोह में भी रतन टाटा अमेरिका गए थे। आज रतन टाटा के जन्मदिन पर 2 साल पहले, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो उन्होंने कैसे अपने इस युवा असिस्टेंट के साथ सादगी से अपना जन्मदिन मनाया था, अपना बर्थडे केक काटा था, यह 2021 की तस्वीर है। तो आप सोचिए, यहां भी आपको रतन टाटा की सादगी दिखाई देगी और यह भी दिखाई देगा कि जीवन का चक्र देखिए, 2021 में वो अपना बर्थडे केक काट रहे हैं और जीवन में कभी भी कुछ भी हो सकता है। आज आप अपना बर्थडे केक काट रहे हैं और उसके कुछ समय के बाद आज हम उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो आप देखिए, शांतनु की भी ये कहानी कितनी दिलचस्प है। एक जगह शांतनु रतन टाटा के साथ बर्थडे केक काट रहे हैं और आज शांतनु रतन टाटा की अंतिम यात्रा के दौरान, उनकी शव यात्रा जब थी तो उस गाड़ी के आगे आगे अपनी मोटरसाइकिल पर चल रहे थे जहां से रतन टाटा की शव यात्रा को गुजरना था। ये भी जिंदगी के दो रूप हैं, ये भी जिंदगी के दो चित्र हैं, जीवन के दो चित्र हैं। अब हम आपको एक बार फिर से रतन टाटा के क्लासरूम में लेकर जाना चाहते हैं और आपको रतन टाटा द्वारा कही गई ऐसी 5 बातें बताएंगे जिनमें आप प्रेरणा लेकर अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। रतन टाटा कहते थे कि अगर आप तेज चलना चाहते हैं तो अकेले चलें, लेकिन अगर आप दूर तक चलना चाहते हैं तो साथ साथ चलें। और इससे यह सीख मिलती है कि जीवन में लंबी दूरी तय करने के लिए सच्चे लोगों का साथ भी आवश्यक होता है और संगठित होकर आप बहुत दूर तक जा सकते हैं। वो ये भी कहते थे कि जीवन को इतना भी कठिन नहीं बनाना चाहिए कि खुशियां हमसे दूर हो जाएं। और आजकल बहुत सारे लोग खुद को इतना कठिन बना लेते हैं और दूसरों से अलग कर लेते हैं कि उनकी खुशियां दूर हो जाती हैं। इसलिए खुद को कठिन नहीं बल्कि सरल बनाकर सफल बने। 3, दूसरों की नकल करने वाला इंसान थोड़े समय के लिए सफलता तो जरूर प्राप्त कर सकता है लेकिन वो जीवन में बहुत आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए नकल करके या छल करके आगे बढ़ने वाले लोगों के बारे में ज्यादा ना सोचें, क्योंकि ऐसे लोग जीवन में बहुत आगे तक नहीं जा पाएंगे। और उन्होंने एक बार ये भी कहा था कि मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं करता, मैं फैसले लेता हूं फिर उन्हें सही साबित कर देता हूं। और इस बात से आप लोग भी आज प्रेरणा ले सकते हैं। आज जब हमारे देश में जातियों की इतनी राजनीति हो रही है, बात बात पर लोगों से उनकी जाति पूछी जाती है कि आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है, आपकी पहचान क्या है, तब रतन टाटा की सलाह भी हमारे देश के नेताओं और आम लोगों के काम आ सकती है। वर्ष 2003 में इंडिया टुडे ग्रुप से बात करते हुए रतन टाटा ने कहा था कि वो भारत को एक पावर हाउस के तौर पर देखना चाहते हैं और इसके लिए भारत को पुरानी सोच और सीमाएं खत्म करनी होंगी। और ये सीमाएं हैं जाति, धर्म
और क्षेत्रवाद की सीमाएं। उन्होंने कहा था कि जब हम जातिवाद और धर्म की सोच से बाहर निकल जाएंगे तभी भारत एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में दुनिया में अपनी एक जगह बना सकता है। और रतन टाटा ने जातिवाद को एक समस्या बताते हुए कहा था कि हम अपने आप को भारतीय की बजाय एक पारसी या पंजाबी के रूप में देखते हैं, यानी हम जाति, धर्म और क्षेत्र की सीमाओं में बटे हुए हैं और हमें ये सीमाएं तोड़कर अपने लोगों में एक राष्ट्रीयता की भावना पैदा करनी होगी और वो दिशा तय करनी होगी जहां हम अपने देश को ले जाना चाहते हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या हमारे देश के नेता और लोग रतन टाटा की इस सलाह को आज मानेंगे? देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, नॉट जस्ट फॉर कॉर्पोरेट इंडिया बट फॉर द कंट्री एज अ होल। आई थिंक द इंपैक्ट ऑफ हिज वर्क इज क्वाइट अनपैरेलल्ड एंड आई थिंक वी शुड रिमेंबर हिम थ्रू द रिचनेस ऑफ हिज वर्क। उनका जीवन ऐसा था कि वहाँ से बहुत कुछ है जो हम सीख सकते हैं। मेरा ये प्रिविलेज था कि मैं उनके साथ काफ़ी मेरी करीबता रही कई सालों तक और बहुत कुछ सीखने मिला मुझे उनसे, और आदर्श पुरुष थे कई कई तरह से। तो हमको उनकी जो जिंदगी है सेलिब्रेट करना चाहिए। जिंदगी में काफ़ी बार, मतलब मेरे लाइफ में काफ़ी बार, कई सारे बार, काफ़ी बार तो नहीं कह सकते हैं बट कई सारे बार उनके साथ इंटरेक्शन करने के लिए मौका मिला है, और हमेशा मेरे को यही लगा कि हमेशा वो कुछ नए चीज़ बात करते थे। और उनका जो भारत के लिए, भारत का अर्थव्यवस्था के लिए और भारत का जो इंडस्ट्री और इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके लिए उनका विजन जो था वो एक बहुत बड़ा और एक अद्भुत विजन था। ये मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही बड़ा लॉस है नेशन के लिए। ही वॉज एन आइकॉनिक फिगर, वेरी वेरी टॉल इंडस्ट्री लीडर, और ये जहाँ मैं समझता हूँ कि ये एक जो कमी है ये काफी देर तक रहेगी। रतन टाटा की मृत्यु की खबर के बाद कई शहरों के दुर्गा पंडालों और गरबा पंडालों में सन्नाटा छा गया और लोगों ने गरबा रोककर रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी। और ये तस्वीरें बताती हैं कि हमारे देश के लोग रतन टाटा से कितना प्यार करते हैं। बड़े दुख की बात है कि आज हमारे बीच रतन टाटा जी नहीं रहे, तो आज हम लोगों ने मिलकर सभी ने अपनी पूजा कमेटी की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित किए, साथ ही भक्तों ने भी जो मिलकर यहाँ पर खड़े होकर उनको दो मिनट का मौन रखकर उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित किए। और हम चाहते हैं पूजा कमेटी से भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान दे। और जिस वक्त रतन टाटा के निधन की खबर आई उस वक्त जर्मनी में अभिनेता और गायक दिलजीत दोसांझ का एक कॉन्सर्ट चल रहा था और उन्होंने भी अपने कॉन्सर्ट के बीच में ही उसे रोककर रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी। तो रतन टाटा का जो जीवन है वो शानदार रहा, और रतन टाटा के जीवन को अगर आप ठीक से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि उनका जीवन एक क्लासरूम की तरह है। अगर आप उस क्लासरूम में बैठेंगे, रतन टाटा से, उनके सिद्धांतों से मुलाकात करेंगे, रतन टाटा के जीवन को अच्छी तरह से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप जीवन की एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला में आ गए हैं। रतन टाटा के जो सिद्धांत थे, रतन टाटा का जो व्यवहार था और जिस तरह का जीवन रतन टाटा ने जिया है वो अपने आप में, जो सिद्धांतों का अगर हम कहें कि माउंट एवरेस्ट कोई हो सकता है तो वो रतन टाटा थे। और रतन टाटा ने सफलता के लिए कभी भी भरोसे का सौदा नहीं किया, उन्होंने हमेशा भरोसे को बरकरार रखा। उन्होंने हमेशा ये देखा, जब वो इंडिका कार लेकर आए थे, डीजल की पहली छोटी गाड़ी जो भारत में थी, उस समय उन्होंने मध्यम वर्ग के बारे में सोचा, और इसके बाद जब वो टाटा नैनो गाड़ी लेकर आए, उस गाड़ी के पीछे जो उनकी सारी सोच थी वो ये थी कि वो भारत के गरीब लोगों के लिए एक गाड़ी बनाना चाहते थे, वरना महंगी गाड़ी बनाकर भी वो पैसा तो बहुत कमा सकते थे। लेकिन टाटा नैनो की जो सोच थी वो ये बताती है कि रतन टाटा इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद भी भारत के गरीब लोगों के बारे में सोचते थे।